तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे ऑटोडेस्क का स्टूडेंट वर्जन लाइसेंस ले सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप भी बहुत ही आसानी से स्टूडेंट वर्जन लाइसेंस ले सकते हो। अब वो रेविट के लिए हो, ऑटोकैड के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और जान लेते हैं कि कैसे मिलेगा हमें एक स्टूडेंट वर्जन लाइसेंस। ऑटोडेस्क का लाइसेंस लेने के लिए आपके पास कुछ चीजें मैंडेटरी हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला है एक ईमेल आईडी जो कि आपके पास होना चाहिए। जैसा कि मेरे पास आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा एक जीमेल आईडी है जिसपे मैं लाइसेंस लेने वाला हूँ। उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो वहाँ का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरे पास है, जैसा कि आप देख रहे हो, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है। ये मेरा नहीं है, किसी और का है जिससे मैंने लिया हुआ है, और यह भैया फालतू है। यानी अगर यह जो लाइसेंस है मुझे मिल जाता है तो मैं इसको आपको देने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो भी सबसे पहले देखेगा यह लाइसेंस उसका हो जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ से इस ईमेल आईडी का पासवर्ड और इस ऑटोडेस्क लाइसेंस का पासवर्ड आप आसानी से वहाँ से लेकर करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सिंपल। तो ये था दो चीजें जो कि आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद आपको आना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है ऑटोडेस्क। मैं सर्च करता हूँ ऑटोडेस्क। सिंपल, ऑटोडेस्क सर्च करने के बाद मैं इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखो कि सबसे पहला वेबसाइट हमारे सामने खुल करके आ जाता है जो कि है ऑटोडेस्क का। मैं सिंपल इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके सामने आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले साइन इन करूंगा। साइन इन पे क्लिक करता हूँ। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना है। साइन इन के नीचे ही आपको मिल जाएगा क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन। सिंपल, देखो यहाँ पे साइन इन ऊपर ईमेल मांग रहा है, ईमेल के नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। मैं सिंपल क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे नाम देना है। तो नाम आपको वही देना है जो आपके रिजल्ट में मौजूद हो, जैसे राकेश मौर्य, फादर का नाम विनोद मौर्य, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा सब कुछ सही सही डालिएगा, नहीं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। मैं सिंपल डाल देता हूँ सिंपल। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगा ईमेल। ईमेल जो है वही डालता हूँ, जैसे अगर आपके नाम से है तो आप ज्यादातर मोस्टली यूज करिए अपने नाम वाला ही ईमेल, और अगर आपके पास आपके नाम का ईमेल नहीं है तो कोई भी ईमेल चलेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल, इतना मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं कंफर्म ईमेल को फिर से डालूंगा। सिंपल, ये रहा हमारा ईमेल जो कि दोनों डाल दिया है मैंने। और ये जो ईमेल मैंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है, एक अलग से ईमेल बनाया है। और मेरे पास एक सर्टिफिकेट था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं, और ये जो लाइसेंस है वो आपको मैं दे दूं। उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड बनाना है जो कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सिंपल, मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी बना लिया है। पासवर्ड बनाने के बाद मैं एग्री करूंगा। एग्री के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। इतना करते ही हमारा जो अकाउंट होगा वो बन जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जाना है अपने ईमेल पे। मैं सिंपली अपने ईमेल पे आता हूँ और देखता हूँ कि क्या मैंने ईमेल सही डाला था। सिंपल, आते हैं हम लोग अपने ईमेल पे। ईमेल पे आकर के मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे वेरीफाई योर अकाउंट का एक ईमेल आ गया है। ईमेल आने के बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई ईमेल के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल डालना होगा। जैसे मैं डाल देता हूँ सिंपल, मैंने इतना अपना ईमेल डाला, इंटर किया। उसके बाद हमें वो पासवर्ड डालना होगा जो हमने वहाँ पे बनाया था, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये रहा, हमने अपना पासवर्ड भी डाल दिया। आप साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद हमारा जो अकाउंट होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया है, और यहाँ पे मैं इसको करूंगा सिंपली डन। जैसे मैं यहाँ पे डन करता हूँ उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने इस वाले अकाउंट पे यहाँ पे, और आप यहाँ पे देखिए मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे लॉग इन हो चुका है और वेरीफाई भी हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने लाइसेंस की तरफ। लाइसेंस लेने के लिए आप यहाँ पे आपको ऊपर एक प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इसको ओपन करना है और यहाँ पे रेविट ऑटोकैड जो भी आपको डाउनलोड करना है किसी एक पे आपको क्लिक करना है। सिंपल, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड फ्री ट्रायल का। सिंपल, यहाँ पे आप देखो डाउनलोड फ्री ट्रायल का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एजुकेशनल का, जैसे बिजनेस मिल रहा है, होम यूज मिल रहा है, तो यहीं पे आपको तीसरे नंबर पे मिलेगा एजुकेशनल का। सिंपल, आपको इस एजुकेशनल वाले पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको इस कम्युनिटी पे क्लिक करना है। कम्युनिटी पे क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ जाओगे और यहाँ पे आपको मिलेगा एक और स्टेप जिससे आपको और आगे बढ़ना होगा। सिंपल, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैं जो भी हमारा स्टेट है वही रहने देता हूँ। यूएस से ही हम लोग साइट पे चलाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, गेट एजुकेशनल एसेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे
एजुकेशनल एसेस पे क्लिक करोगे तो अब आप यहाँ पे देखो आपका ईमेल आईडी और जो आपने यहाँ पे नाम भरा था वही नाम आपका यहाँ पे शो हो रहा है। आपको अलग से कोई भी नाम नहीं डालना है, इसलिए आप जो भी नाम डालो ना सोच समझ के डालो और वही नाम आपका यहाँ पे शो होगा सिंपल। उसके बाद आपको क्या करना है, एजुकेशनल रोल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्टूडेंट। स्टूडेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी कंट्री चूज करनी है, जैसे मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल यहाँ पे मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इंस्टीट्यूशन टाइप को चूज करना है, अगर आप 12वीं पढ़ रहे हो 10वीं पढ़ रहे हो तो हाई स्कूल या सेकेंडरी आप सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर उससे ऊपर आप डिप्लोमा पढ़ रहे हो या बीटेक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी और पोस्ट सेकेंडरी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। मैं सिंपली यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा जो ये एक्सेस है वो मिलने वाला है मुझे डिप्लोमा बेस पे, तो ये हमारा होगा यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन का नाम डालना है जहाँ से आपने पढ़ाई की है, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, तो मैं ये जो कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैं यही उठा करके वहाँ पे डालने वाला हूँ। सिंपल, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आता हूँ और अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने अपने कॉलेज का नाम आधा ही लिखा है और नीचे मेरे कॉलेज का नाम शो होने लगा है। तो अगर आपके कॉलेज का नाम शो होने लगता है तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया मेरे कॉलेज का नाम आ गया। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जैसे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, जैसे जो भी है जो मैंने अपने ईमेल में डाल रखा है मैं वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालने वाला हूँ, या आपके सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ शो होगा ना आपको वो यहाँ पे डालना है। सब कुछ एकदम सही सही डालना है, अगर आप गलत डालते हो तो आपको यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलेगा, मैं फिर से कह देता हूँ। तो आपको सब कुछ एकदम सही सही डालना है। उसके बाद इनरोल डेट डालना है कि आपने कॉलेज में कब अपना एडमिशन करवाया था, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अगस्त का डाल दिया। उसके बाद आपको ईयर चूज करना है, कौन से ईयर कौन से मंथ ये सब चीजें भी चूज करनी है, तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ 18 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त को तो 15 अगस्त मनाया जाता है तो उस दिन एडमिशन नहीं ले सकते, हाँ 18 अगस्त को ले सकते हैं अगर संडे ना पड़ा हो तो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ से चूज कर लेंगे 2021 या 2022, तो मैं चूज कर लेता हूँ 2022। और उसके बाद आपको बताना है कि आपका ग्रेजुएशन कब खत्म होगा, मतलब अगर आपने 22 में एडमिशन लिया है तो आपका किस साल में किस ईयर में किस डेट को आपका ग्रेजुएशन खत्म होने वाला है। अब ये तो चीज आपको नहीं मालूम कि किस डेट को खत्म होगा, तो आपको एक सजेस्ट करना है कि इस ईयर में मेरा इस मंथ में इस डेट के आसपास में मेरा ये खत्म हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, जैसे अगस्त ही चूज कर लेता हूँ क्योंकि मैं अगस्त में एडमिशन लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ वही सेम डेट 18, 19, 20 का, तो मैं 19 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं जो डिप्लोमा होता है वो 3 साल का होता है और 3 साल के बेस पे होता है, तो मैंने यहाँ पे 3 साल का अनुमान लगा करके 25 में मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मेरा 25 में डिप्लोमा मेरा खत्म हो जाएगा। सिंपल, 25 अगस्त को मेरा डिप्लोमा 2025 में 19 अगस्त को मेरा ये डिप्लोमा खत्म हो जाएगा। इतना चीजें भरने के बाद आपको कंफर्म करना है, जैसे फिर से मैं बता देता हूँ, पहले मैं आपका ईमेल ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा, आपका नाम और आपका ये लास्ट नाम दोनों नाम यहाँ पे जो आपने पहले से भर रखा होगा वो यहाँ पे दिखेगा। एजुकेशन रोल में आपको स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपनी कंट्री चूज कर लेनी है, उसके बाद इंस्टीट्यूशन टाइप चूज करना है, जैसे यूनिवर्सिटी है कि पोस्ट सेकेंडरी है या फिर आपका हायर है, मतलब आप 10वीं पढ़ रहे हो 12वीं पढ़ रहे हो या उसके आगे पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप डिप्लोमा कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपने कॉलेज का अपने इंस्टीट्यूशन का नाम देना है यहाँ पे, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, उसके बाद आपको इनरोल डेट भरना है, किस डेट को आपने किस मंथ में यहाँ पे आपने इनरोल किया था, अपने कॉलेज में एडमिशन लिया था वो। अगर आपको नहीं पता तो आपका जो सबसे पहला फीस रसीद मिला होगा आप उसको देख लो, जो भी उस पे डेट होगा वही डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन कब खत्म होने वाला है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सिंपली कन्फर्म करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कन्फर्म कर दिया, कन्फर्म करने के बाद हम आ गए नेक्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको 14 दिन का मिलता है कि आप 14 दिन के अंदर में अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर दो, और डॉक्यूमेंट में आपको स्कूल की आईडी चलेगी, स्कूल का कोई भी इशू जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो चलेगा, या स्कूल से आपने कोई ऐसा चीज बना लिया कि मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ वो चलेगा, या आपका वहाँ पे मार्कशीट चलेगा, तो आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो। पर ये चीजें आपको जब भी अपने अकाउंट बनाया उसके 14 दिन के अंदर आपको यहाँ पे करना है। और अपलोड कैसे करना है, आप यहाँ पे देखो एक एरो आपको दिख रहा है,
सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जहां भी अपने कंप्यूटर में अपने मोबाइल में जहां भी आपने अपना रिजल्ट रखा होगा वहां पे आपको उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये डाउनलोड के फोल्डर में यहां पे मैंने अपना रिजल्ट रखा हुआ है, मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद कुछ समय के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ूंगा? क्योंकि मेरा जो इंटरनेट है अभी थोड़ा स्लो है और स्लो होने के कारण ये अपलोड थोड़ा स्लो से हो रहा है। अगर ये अपलोड नहीं होगा तो मुझे यहाँ पे लाइसेंस नहीं। तो लाइसेंस लेने के लिए आपको थोड़ा देर इसको वेट करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे देख लेना है कि जो ये आपका नाम है वही सेम नाम आपके जो सर्टिफिकेट है उसमें है कि नहीं है। तो वो चीज आपको देख लेना, आपका इंस्टीट्यूशन का जो नेम होगा वो आपको इस रिजल्ट में है कि नहीं है, वो चीजें भी आपको ध्यान दे देनी है। तो अब मेरे हिसाब से मेरा जो रिजल्ट है वो अपलोड हो चुका है। उसके बाद अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसने लिखा है थैंक यू और ये जो लाइसेंस है वो मुझे मेरे आईडी पे यानी मेरे ईमेल आईडी पे मुझे शेयर हो जाएंगी और इसकी आईडी मुझे वहां पे मिल जाएंगी। सिंपली मैं यहां पे इसको करता हूं क्लोज। क्लोज करने के बाद मैं सिंपली आ जाता हूं अपने ईमेल पे, जो भी मेरा ईमेल है मैं सिंपली यहां पे आता हूं अपने ईमेल पे। ईमेल पे आने के बाद मैं इसको बैक करता हूं। बैक करने के बाद मैं इस ईमेल आईडी को एक बार रिफ्रेश करूंगा। सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा। अब यहां पे आप देख सकते हो मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया है। रिफ्रेश करने के बाद मैं फिर से बैक आता हूं या इनबॉक्स पे आ जाते हैं। इनबॉक्स पे आने के बाद अब आप यहां पे देख सकते हो मुझे एक नया ईमेल आया है। सिंपल मैं इस पे क्लिक करता हूं। ईमेल पे लिखा हुआ है वेलकम राकेश, यू आर एलिजिबल फॉर फ्री 1 ईयर एजुकेशनल एक्सेस ऑटोडेस्क प्रोडक्ट थ्रू द ऑटोडेस्क एजुकेशनल कम्युनिटी। मतलब आप एक साल के लिए ऑटोडेस्क का कोई भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर चला सकते हो। सिंपल। और ये वैलिडिटी भी बता रहा है कि आपका जो ये ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर का यूज करने का समय है वो जून 28 2024 तक का है। आप इसके अंदर ही यूज कर सकते हो, उसके बाद आपका ये लाइसेंस खत्म हो जाने वाला है। सिंपल, इतना आपका लाइसेंस मिल गया। अब पर यहाँ पे आप देखो कोई भी आपको की नहीं मिला, कोई भी आपका आईडी पासवर्ड एक्स्ट्रा नहीं मिला है, तो आप कैसे यूज करोगे? सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फिर से अपने ऑटोडेस्क के यहाँ पे वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल आ जाना है फिर से प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे आने के बाद आपको ऑटोकैड पे आना है। ऑटोकैड पे आने के बाद फिर से वही करना है, डाउनलोड फ्री ट्रायल स्टे करते हैं इसको। उसके बाद डाउनलोड फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। फ्री ट्रायल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको फिर से पूछेगा, सेम स्टेप आपको फिर से दोहराना है। उसके बाद कम्युनिटी पे क्लिक करना है। कम्युनिटी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऑटोकैड का खुल गया, ऑटोकैड मैक है, ऑटोकैड वेब है। तो आपको क्या करना है, सिंपल जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको जैसे मुझे ऑटोकैड का ये चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। जैसे 3ds Max चाहिए तो मैं 3ds Max, AutoCAD Civil 3D चाहिए तो मैं Civil 3D, जैसे मुझे Civil 3D चाहिए मैंने Civil 3D पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक तो इंस्टॉल का मिलता है और एक मिलता है डाउनलोड का। तो मैं कहूंगा आप इंस्टॉल को ही चूज करिएगा यहाँ पे और उसके बाद आपको सिंपली इस इंस्टॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। बट उससे पहले आपको यहाँ पे चूज कर लेना है आपको 2023 चाहिए, 2022 चाहिए, 2021 चाहिए या 2024 चाहिए। जैसे अगर आपने 23 चूज किया, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो वो 2023 का ही इंस्टॉल होगा, और अगर आप यहाँ पे 2022 चूज करते हो तो 2022 ही इंस्टॉल होगा। तो मैं यहाँ पे 2023 कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद ये थोड़ा सा घूमेगा, उसके बाद हमारा यहाँ पे ऑटोडेस्क का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा ये जो सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके आपको इसको पूरा इंस्टॉल करना है, पर मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये इंस्टॉल है। मैं सिंपली चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे आने के बाद अब हमारे पास है ऑटोकैड और रैबिट। तो मैं यहाँ पे आपको ऑटोकैड पे क्लिक करता हूँ और इस ऑटोकैड 2023 को मैं ओपन करके यहाँ पे आपका जो लाइसेंस अभी मैंने लिया है उसको डाल करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे इनरोल करना है अपने ऑटोकैड में। सिंपल। तो अभी जो हमारा ये ऑटोकैड है वो ऑलमोस्ट ओपन हो गया है। अब जैसे यहाँ पे ओपन होता है तो फर्स्ट टाइम ये हमसे एक ईमेल आईडी मांगेगा, तो आपको वही ईमेल आईडी डालना है जिससे आपने अभी लाइसेंस लिया है। तो मैं वही ईमेल आईडी डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ। सिंपल, मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दिया। ईमेल आईडी डालने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब मुझे डालना है यहाँ पे पासवर्ड, तो मैं वही पासवर्ड डाल देता हूँ जो मैंने वहाँ पे डाला था, जो कि मैं अपना अकाउंट जब ऑटोकैड डेस्क का बना रहा था तो मैंने वहाँ पे जो पासवर्ड डाला था सेम वही पासवर्ड
पासवर्ड मैं यहाँ पे भी डाल रहा हूँ। सिंपल मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला। अब मैं इसको करता हूँ साइन इन। साइन इन करने के बाद अब आप देखो कि मेरा जो यहाँ पे जो आईडी था वो यहाँ पे ऊपर खोल करके सामने आ जाता है और यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आता है। आपको सिंपल इसको कट कर देना है। कट करने के बाद उसको ओपन कर देना है। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे ऑटोडेस्क के ऑटोकैड को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आपका आईडी और पासवर्ड जो भी टोकन की वगैरह होना है वो सबका सब आपका जो ये ईमेल आईडी है और उसका जो आपने ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर फिर साइन इन करते समय जो आपने अकाउंट बनाया था जो पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड आपका सब कुछ होने वाला है। तो उसको आप संभाल करके रखिएगा। टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हो, उसको लगा करके आप काम कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर का लाइसेंस था वो मुझे मिल चुका है और इस प्रकार से आप भी लाइसेंस ले सकते हो। तो बस मुझे आशा है कि आप समझ गए होगे। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।